डाउन ब्रिज टाइप कन्वर्टर विद कंटिन्यूस लोड करंट यानी कि लोड पे जब कंटिन्यू करंट फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप डाउन कन्वर्टर करेंगे इसे पॉजिटिव ग्रुप ऑफ था यूज किया गया है इन्हें पी से डिनोट किया गया है और फोर्थरिस्टर्स जो की नेगेटिव ग्रुप ऑफ था उन्हें एन से डिनोट किया गया है ये पॉजिटिव ग्रुप ऑफ था ये नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स हैं इनके बीच में देखिए इससे पहले हमने एक टॉपिक किया है स्टेप अप का स्टेप अप ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर टॉपिक कर चुके हैं इसका स्ट्रक्चर और उस टॉपिक का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है करंट की डायरेक्शन जो करंट फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन वो भी सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि स्टेप डाउन जो कि हम कर रहे हैं इसके लोड पे रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड है देखिए ये जो पेयर है वो पॉजिटिव कन्वर्टर पी कन्वर्टर है और ये एन कन्वर्टर है इसके बीच में रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड है और स्टेप अप में सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड होता था और इसमें रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड है ये डिफरेंस है स्टेप अप और स्टेप डाउन के ब्रिज टाइप कन्वर्टर्स में आप देखते हैं इसके अवर्किंग देखिए जैसे कि स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है तो इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो सोर्स की फ्रिक्वेंसी से कम होनी चाहिए ये होगा स्टेप डाउन का इसलिए करंट वेवफॉर्म्स देखते हैं जो करंट किस तरह फ्लो होता है उसके वेवफॉर्म्स देखते हैं जब ए पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू बी तब पी वन पॉजिटिव पीक कन्वर्टर का पी वन इंडक्टर रेजिस्टर और पी इस तरह से करंट फ्लो होगा यानी कि सोर्स से करंट फ्लो होगा यहां से सोर्स करंट फ्लो होगा और ये करंट जाएगा पी वन की तरफ पी वन पी कन्वर्टर पे जो भी करंट फ्लो होगा से, पी से जो पॉजिटिव कंडक्ट करेंगी पी वन से करंट फ्लो हो जाएगा इंडक्टर और की तरफ और फिर पी टू की तरफ इस टाइम पे पी टू कंडक्ट पी वन और पी टू कंडक्ट करेंगे देखिए जो हमारी इनपुट है वो कुछ इस तरह से होगी ये हमारी अनवलऑप शो करती है जीरो से पाई ये पॉजिटिव जो हमारी वेव है एसी की और पाई से टू पाई नेगेटिव टू पाई से थ्री पाई अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव इस तरह से चलेगी पी वन और पी टू पॉजिटिव वेव में वर्क करेंगे जीरो से पाई के बीच में लेकिन जब पी वन और पी टू के गेट पे पर्टिकुलर अल्फा एंगल से ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तभी ये कंडक्ट करेंगे इसकी वेव फॉर्म्स देखते हैं देखिए इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी इसकी आउटपुट वोल्टेज हमारे कुछ इस तरह से होंगे देखिए एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे जब P1 और P2 के गेट पे यानी कि अगर हमने इस एंगल इतने एंगल के बाद P1 और P2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की तब P1 और P2 कंडक्टिंग कंडीशन में आए और ये जो एंगल होगा ये होगा अल्फा एंगल और इस एंगल के बाद जैसे ही वो कंडक्टिंग कंडीशन में आए आउटपुट वोल्टेज क्या होगी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज थी वो पॉजिटिव में थी तो इसकी वेव भी पॉजिटिव में आएगी और ये जो वेव है ये वाली जो आई है अल्फा एंगल तक ये हम आगे करेंगे ये कैसे आई है आउटपुट करंट का क्या होगा आउटपुट करंट हमारा फ्लो करेगा इस तरह से जैसे ही P1 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा तो आउटपुट करंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा लेकिन जब आउटपुट वोल्टेज जीरो होगी तो आउटपुट करंट क्या होगा जीरो नहीं होगा क्योंकि इंडक्टर कनेक्टेड है और वो धीरे धीरे जस अब इसके ये जो वेव बनती है इसका हम नेक्स्ट आँ में डिस्कशन करते हैं कि कैसे होगी कि ये जब जैसे ही यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आएगी आउटपुट करंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा और मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा जब आउटपुट वोल्टेज जीरो पे आएगी लेकिन इसके बाद पी वन पी टू पहले कंडक्ट कर रहे थे अब P3 और P4 कंडक्ट करेंगे ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा इस तरह से अब P3 और P4 फोर कंडक्ट करेंगे अब यहां से करंट फ्लो होगा यह B पे जाएगा और B से जाएगा P3 पे P3 इंडक्टर रेजिस्टर और देन P4, P4 से जाएगा A की तरफ A से अगेन सोर्स की तरफ इस तरह से अब इस टाइम पे P3 और P4 कंडक्ट कर रहे हैं इसमें देखिए इसकी जो वेव फॉर्म्स हों वो कुछ इस तरह से होंगे यहाँ पे जब आउटपुट वोल्टेज जीरो हुई थी तो आउटपुट करंट मैक्सिमम पोजीशन पे था तो इंडक्टर ने क्या किया इंडक्टर जो आउटपुट करंट है वो जीरो नहीं हुआ क्योंकि इंडक्टर के लगा हुआ है इंडक्टर की वजह से इंडक्टर ने आउटपुट करंट को जीरो नहीं होने दिया और जैसे ही आउटपुट वोल्टेज पाई से टू पाई के बाद बीच में नेगेटिव वेव आई तो आउटपुट करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और अगर आउटपुट करंट डिक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं होगी तो आउटपुट वोल्टेज रिवर्स में चली जाती है और P1 और P2 तब तक कंडक्ट करते रहते हैं जब तक कि नेक्स्ट थायरिस्टर्स के पेयर पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती और जैसे ही एक पर्टिकुलर पाई से अल्फा एंगल पर यानी इस ड्यूरेशन में अल्फा एंगल होगा जब P3 और P4 कंडक्ट करेंगे तब क्या होगा आउटपुट वोल्टेज अगेन पॉजिटिव में होगी आउटपुट वोल्टेज अगेन पॉजिटिव में हो जाएगा इसमें P3 और P4 कंडक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे आउटपुट करंट अगेन इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा और जब आउटपुट वोल्टेज जीरो होगी तो आउटपुट करंट मैक्सिमम पोजीशन पे होगा फिर क्या होगा फिर से पॉजिटिव साइकिल आई फिर वही कंडीशन आ जाएगी फिर P1 और P2 अगेन कंडक्ट करेंगे अगेन P1 और P2 कंडक्ट करेंगे और P3 P4 तब तक कंडक्ट करते रहेंगे जब तक P1 और P2 कि गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती जैसे ही ट्रिगर पल्स आएगी आउटपुट वोल्टेज अगेन पॉजिटिव में चली जाएगी और जब तक पी P3 और P4 कंडक्ट करते रहेंगे नेक्स्ट साइकिल में आउटपुट करंट डिक्रीज होगा और उसके बाद आउटपुट करंट अगेन इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा और फिर से P3 और P4 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे इस तरह से इसकी वेव फॉर्म बनेंगे अब ये तो हमारे पॉजिटिव ये वन अपॉन फोर्थ फ्रिक्वेंसी का जो यूज किया है इसमें हम स्टेप डाउन कर रहे हैं इस वजह से अब क्या होगा अब n3 p ये पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स ऑफ हो जाएंगे अब नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे n3 और n4 अब कंडक्ट करेंगे अब यहां से करंट फ्लो होगा ये यह देखिए यहां से सोर्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और n3 अब n3 n3 से रेजिस्टर रेजिस्टर से इंडक्टर इंडक्टर से n4 एन फोर एन फोर से अगेन सोर्स इस तरह से करंट फ्लो होगा अब इसमें क्या हुआ? आउटपुट वोल्टेज क्या हो गई नेगेटिव में हो गई रिवर्स हो गई तो जो वेम्स बनेगी वो रिवर्स में बनेगी आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो नेगेटिव में होगी देखिए ये करंट फिर सोर्स की तरफ फ्लो करेगा इसकी जो वेब फॉर्म्स होगी अब N3 और N4 कंडक्ट करेंगे

तो एन थ्री और एन फोर ने कंडक्ट किया तो आउटपुट वोल्टेज क्या थी रिवर्स में थी तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी रिवर्स में आएगी नेगेटिव में आएगी और आउटपुट करंट क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा आउटपुट करंट इस टाइम पे डिक्रीज हो जाएगा अगेन अब क्या होगा एन थ्री और एन फोर कंडक्ट कर रहे हैं और इसके बाद एन वन और एन टू कंडक्ट करेंगे यहां से अब एन वन और एन टू कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे अब करंट ये ऊपर वाले पॉजिटिव हो जाएगा नीचे नेगेटिव हो जाएगा सोर्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा इस तरह से फ्लो होगा आई एन करंट इसे बोलेंगे और अब एन वन और एन टू एन वन से क्रॉस करके रजिस्टर रजिस्टर से इंडक्टर इंडक्टर से एन टू और एन टू से अगेन इस पॉइंट से आ जाएगा फिर से सोर्स पे इस तरह से करंट फ्लो करेगा अब इसकी वेव फॉर्म्स अगर हम देखते हैं तो अब क्या होगा अब N3 और N4 की कंडक्शन के बाद N1 और N2 ने कंडक्ट किया लेकिन ये क्या आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव चली जाएगी तब तक जब तक जब N1 और N2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती जैसे ही उनकी अल्फा एंगल पे इस वेव में ट्रिगर पल्स आएगी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी रिवर्स में चली जाएगी और आउटपुट करंट भी क्या चला जाएगा रिवर्स में

जो ब्रिज टाइप कन्वर्टर है साइक्लो कन्वर्टर इसमें जो हमने किया है वो कंटिन्यूस लोड करंट किया है continuous इसलिए इसको इसीलिए ही बोला गया है क्योंकि देखिए किसी भी पॉइंट पे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट पर्टिकुलर टाइम के लिए जीरो नहीं है कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली वोल्टेज क्रिएट हो रही है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए वो जीरो नहीं हो रहे इसलिए इसे कंटिन्यूज बोला गया है इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम डिसूस करेंगे देखिए इसमें जो आउटपुट जो हमारी वेव आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी जो होगी वन अपॉन फोर्थ पार्ट सोर्स फ्रीक्वेंसी का आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वन अपॉन फोर्थ पार्ट इनटू सोर्स फ्रीक्वेंसी हमारी इनपुट क्या थी ये थी और आउटपुट क्या आई हमारे पास ये आई है तो हमारा हमने क्या करना था स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर करना था मतलब कि फ्रीक्वेंसी को क्या करना था की फ्रीक्वेंसी को कम करना था तो क्या थी पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और ये करके हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो गई कम हो गई इस तरह से हम इसका यूज करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका डिसकंटिन्यूस लोड करंट करेंगे देखिए अगर आपने पिछले टॉपिक किए हुए हैं तो आपको इसकी वेवफॉर्म्स में और जो स्ट्रक्चर हमने जो अभी सर्किट डायग्राम किया उसमें उनके करंट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और नेक्स्ट में भी नहीं आएगी सिर्फ वेव्स में डिफरेंस है अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू